एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीके लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत ने तहरीक लबैक पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक लबैक पर पाबंदी का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया और पंजाब हुकूमत ने तंजीम पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। हम पाबंदी से मुतालिक समरी काबीना को भेज रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि सियासी हालात की वजह से नहीं तहरीक लबैक के किरदार की वजह से पाबंदी लगाई जा रही है, जबकि मैंने कभी भी इस जमात की हिमायत नहीं की और न ही कभी खादिम हुसैन से मिला। वफाकी वज़ीर दाखला का कहना था कि हमारी उनको मनाने की कोशिशें नाकाम हुई, ये फैजाबाद ना चाहते थे, हम किरारदाद असेंबली में इत्तफाक राय से पेश करना चाहते थे, हमारी बड़ी कोशिशें थी लेकिन वो हर सूरत फैजाबाद आना चाहते थे, ये ऐसा मुसविदा चाहते थे कि यूरोप के सारे लोग ही वापस चले जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने नहीं, उन्होंने हिकमत अमली बनाई हुई थी और हमने जो मुआहदा किया था उस पर कायम थे। वज़ीर दाखला ने कहा कि इस्लामाबाद में पुलिस से राइफल छीन कर फायरिंग की गई और उन पर जो FIRs हुई हैं वो कानून के तहत हुई।